हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर AIMIM प्रमुख व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं और यह मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें कि अवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि इस फैसले ने धर्म, संस्कृति और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया है। अवैसी ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था का अधिकार है। अगर मेरा यह विश्वास है कि मेरे लिए सिर को ढकना आवश्यक है तो मुझे इसे व्यक्त करने का भी अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि एक धर्मनिष्ठ मुसलमान के लिए हिजाब इबादत का हिस्सा है। बता दें कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सिर्फ अवैसी ही नहीं बल्कि कई बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले को बेहद निराशाजनक बताया। उमर अब्दुल्ला ने भी इस फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि आप चाहे जो भी सोचें, लेकिन यह महज एक कपड़े की बात नहीं है, यह एक महिला के अधिकार की बात है कि वह क्या पहनना चाहती है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आधारभूत अधिकारों का ध्यान नहीं रखा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।